गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम निकल रहे हैं वापस इंडिया के लिए। और अभी अभी मैंने अपने रिसेप्शन पर ही फ़ोन करके बोला था कि जैसे कि कल कोविड टेस्ट हुआ था हमारा, तो कोविड टेस्ट आया है नेगेटिव हम दोनों का, तो हमें जाना पड़ेगा इंडिया वापस अब। और भारती जी अब भी सो रही हैं, इनका रहता है सोने का, तो अभी इनका शूट करेंगे भारती जी का। गाइस ये देखो, शूटिंग स्पॉट रेडी है और हमारी मॉडल भी रेडी है। मॉडल देख रही है कौन सा पोज करना चाहिए। दिखाओ कौन सा पोज करना है तुम्हें, बताओ, बात तो करो। देख रही हूँ। You're so introvert, बात ही नहीं करती हो। हट। ब्रर। So guys, ये व्यू पे ये करेंगे शॉट। मेरे को ना इसी व्यू पे पुशअप करना है। कराओगी पुशअप? मैं सोच रहा हूँ इसी व्यू पे एक पुशअप का वीडियो बनाऊँ, लेटर विल अपलोड। हाँ हाँ। तो करते हैं शूट गाइज, फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने को और फिर जाएंगे स्टीव सोना। गाइज फाइनली हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट मालदीव में। भारती जी का शूट कंप्लीट हो गया योगा का और हम अब चल रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें कदम तेज़ करने पड़ेंगे भारती जी, क्योंकि 8:35 ही हो गया है, 10 मिनट पॉसिबल हो जाएगा। तो हे गाइस, ब्रेकफास्ट करते हैं अब और ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे स्टीम सोना करने और फिर आएंगे वापस, फिर थोड़ा सा अपना स्विमिंग पूल में रहेंगे एंड देन वील चेकिंग आउट टुमारो टुडे, जहाँ पे हमारी चार डिफरेंट फ्लाइट्स हैं इंडिया के लिए। गाइस ब्रेकफास्ट आज थोड़ा हैवी करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारी फ्लाइट्स हैं, चार डिफरेंट फ्लाइट्स हैं। तो मैंने भारती को ही बोला कि तुम भी हैवी कर लेना, मैं भी हैवी कर लूँगा, थोड़ा सा जल्दी करना है, बिकॉज यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा लफड़ा है, क्योंकि 9 बजे है तो 9 बजे बंद, सब कुछ बंद। सो गाइस मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड देन आई हैव टू गेट माय कोविड टेस्ट रिपोर्ट विच इज़ नेगेटिव, आई हैव टू गेट दैट फॉर माई इमिग्रेशन ऑल्सो। गाइस एवरीथिंग इज़ डन नाउ, हमने अपना RT-PCR टेस्ट भी ले लिया है और अब हम जा रहे हैं सोना करने, स्टीम करने आधे घंटे के लिए। वहाँ पे सेशन लगाएंगे, भारती जी तो रेडी हैं ही सोना स्टीम के लिए। भारती जी कुछ बोलती क्यों नहीं है, आप फीडबैक आता है लोग कि ये बहुत ज़्यादा शर्माती रहती हैं, बोलती नहीं कुछ भी, क्यों ऐसा होता है बोलो? तुम बोलने का देते हो, बोलो, तुम्हें बोलते रहते हो, जब बोलती होती तो उसके बाद में तुम पीछे से बोलना तो मुझे बोलने ही नहीं देते हो। अब बात करो। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गो टू हुना स्पा एंड दिस, यहाँ पे हम जाएंगे और मैं आपको मिलता हूँ स्पा के बाद। ऑलराइट गाइस, सो स्पा वाज फन, आधे घंटे में काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है और हम लोग अब जा रहे हैं एक, मैं सोच रहा हूँ पुशअप करूँ वहाँ पे ना, बढ़िया जगह पे पुशअप करूँ और पुशअप करेंगे वहाँ पे, बिल्कुल जो वाटर विलास के बीच का एरिया है वहाँ पुशअप। वो मैडम अपना योगा पोज देंगी, वो करके हम लोग थोड़ा स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे एक घंटा एंड देन वी हैव टू चेक आउट फॉर इंडिया। चेकआउट करके बिल्स पे करने हैं, जो हमारे फाइनल बिल्स हैं वो पे करके देन वील गोना बी चेकिंग आउट फ्रॉम द रूम विच इज़ अ वाटर विला। सो यहाँ पे कहाँ जा रही हैं आप? जिम वहाँ पे है, भूल जाती हैं बार बार आप लोकेशन, देखो ये ब्लॉक का एक नंबर की भूल जाती है, हंसने की बात है। हाँ, योगा गर्ल डूइंग जिम, उठाओ वहाँ से मैट, उठाओ जो योगा में उठाओ, कोने में है, इतने रंग बिरंगे मैट है, क्या लोग बच्चे जान लोगी। तो ये योगा मैट ले जा रही है भारती चौधरी, भारती चौधरी नाम है इनका, मिस डॉक लिफ्ट के, आप इनको फॉलो। तो भाई और भारत जो यहाँ शॉर्ट करने वाले हैं वो अपना योगा मैट यहाँ लगाएंगे और भारत जो यहाँ शॉर्ट करेंगे। भारत जय, यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी राइट नाउ। भारत जय, भारत जय, तो भारतीय जय यहाँ शॉट कर रहे हैं और मैं सुनील शेट्टे बन चुका हूँ। ला फोन दो हमें, फोन से शॉट। हाँ आ गया मुझे, मैं थोड़ा दूर रहोगे? हाँ मैं कर लूँगा, तुम जाओ ना। ठीक है, मुझे एक फोटो बताना तो दोस्तों अपन भी पीछे क्यों हटे, अपन में सेलिब्रिटी से काम है, 1 लाख से ऊपर फॉलोअर है अपने पास, तो अपन कुछ कर रही है यहाँ पे। नहीं करना क्या? मैं तो भी बनाया ही नहीं, मेरा रख दो ना कैमरा, ऑन ही क्या। ऑलराइट गाइस, सो डन विद इट, थोड़ा सा लास्ट बार पूल में थोड़ा कर लें ठंडा ठंडा पानी और थोड़ा पूल में एंजॉय कर लेते हैं यार, फिर कल तो वापस जाना है अपने, सॉरी अभी जाना है वापस, 1 घंटे में फ्लाइट है। थोड़ा सा पूल को एंजॉय करके चेकआउट कर रहा हूँ गाइस, पूरा सामान पैक कर रहे हैं, भारती जी भी कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो गोना टेक 5 मिनट्स फॉर अस टू चेक आउट, फिर चेकआउट करके सीधा जाएंगे हम लोग रिसेप्शन की तरफ। चल चल जल्दी। तो फाइनली भारती जी टाइम पे, मैं भी टाइम पे, अब निकलेंगे हम लोग इंडिया। अब देखो मैंने क्या पहना है, मैंने मिक्स ऑफ फॉर्मल्स एंड कैजुअल, क्योंकि अब जो कपड़े बचे रहते हैं ना ट्रैवलिंग के टाइम, क्या है जो कपड़े बचे रहे वहीं पहन लो, कोई टेंशन नहीं, एक नया ट्रेंड क्रिएट हो जाता है। देख लो अच्छा लग रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है वो भारती, ठीक लग रहा है। तो चलो आओ चेकआउट करते हैं और फ्लाइट का वेट करते हैं, चेकआउट में मिलते हैं मैं आप लोगों को गाइस। चलो ये देख लो व्यू, देख लो लास्ट टाइम,
लेट्स गो। गाइस चेकआउट हो चुका है, अब हमें भरने हैं दो फॉर्म, एक है इंडिया का एयर सुविधा और साथ में भारतीय जी की देख रही है भरिए इमुगा। तो ये दो फॉर्म भरने वाला, हमें चेक इन अलाउ नहीं होगा एयरपोर्ट पे हमारा ऑलरेडी, क्योंकि कोविड 19 में सब चीज़ें हो रही हैं। तो लेट मी स्टार्ट फिलिंग द एयर सुविधा एंड इमुगा भी साथ में, दो फॉर्म भरने हैं बंदे बंदे को। तो जब तक थोड़ा सा आइस कॉफ़ी पीते हैं जब तक हमारी फ्लाइट का आएगा, है ना। तुम कितना तुम्हारा हो गया इमुगा? इमुगा तो बहुत आसान है। सो गाइस चेकिंग आउट नाउ फ्रॉम द होटल, दिस लेडी इज असिस्टिंग अस, हमको ये मैडम असिस्ट कर रही हैं। अभी हम जाएंगे सीधा अपना बोट से जाएंगे सीधा पोर्ट पे, और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। यहाँ से सीधा वो आ गया प्लेन अपना दोस्तों, तो अपन यहाँ से बोट लेंगे, उस प्लेन में बैठेंगे और रवाना होंगे अपनी जगह पे। ये देखो मछली इतनी सारी यहाँ पे, वाओ। तो कल माँ भारती ने दो मछलियाँ पकड़ी थी, इनकी बताओ इनकी साइज की मछली मैंने पकड़ी और इन्होंने मेरे साइज की मछली पकड़ी। भाई हेल्प कर रहे हैं हमें फॉर्म भरने की, मेरे नेट का बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है जो हेल्प कर रहे हैं। भारती जी ने हमारा इमुगा ऑलरेडी भर चुके हैं, हमारा जो एयर सुविधा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं अगर गवर्नमेंट कोई वीडियो देख रहा है तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हटा के अपने ज़रा देशवासियों में थोड़ा सा वो कर दो यार, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इट्स डन नाउ, लेट मी चेक माई ईमेल इफ इट्स देयर और नॉट। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड यार, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। थैंक्स दिस फंड फॉर दिस गाय, हिज हेल्प अस अ लॉट। 2806 मेरे भी आ जाएगा। सो लेट्स होप ये आ जाए दोस्तों, कि हमारी ईमेल आईडी जो है इंडिया में चीज़ें बहुत ही स्लो होती हैं। सो नाउ टू डाउनलोड पीडीएफ गाइस, सी भाई, सो लेट्स डाउनलोड इट। सो गाइस इमू का भी फिल हो गया, एयर सुविधा भी फिल हो गया, हम निकलते हैं हम लोग अपने डिपार्चर की उसमें। नाउ वी गो, हाउ गुड टू गो। So we have to take the print out also, right? For this departure. No. Okay. Thanks. Alright. So let's go guys.
गाइस हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, बहुत लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था ना। अब हम कोई भी ट्रिप ना कोविड में प्लान नहीं करेंगे, लेट्स कोविड गोस, ताकि तसल्ली से, क्योंकि आधे ज़्यादा टाइम तो आपका इसी में निकल जाता है। सेकेंड प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे लाइन लगी हुई है प्रॉपर, तो यहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं है, बोल बोल देगा टोको देगा, तो पासेस रिसीव गए, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे देख रहे हो। इट टुक, मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ चेक होएगा एक नहीं, बट हो गया, बात नहीं, चलते हैं। पैकेट मिलेगा नहीं, तो ये भारती जी ले आएंगे, मेरा बर्गर कितना ह्यूज है इनका बर्गर, तो तुम वो प्लेट में दे देंगे अलग से कटोरी में ले आओ। तो हम लोग जल्दी भागना पड़ेगा गाइस, बहुत कम टाइम है। तो ये हमारा खाना आ गया दोस्तों, हियर्स लुक एट द साइज ऑफ माय बर्गर। अभी मैं पूछना किसका बर्गर है, ये है बस जानवर का ही है, ये भी जानवर खा रही है, मैं भी जानवर खा रहा हूँ, और ऐसे ह्यूज ये से अब्रॉड मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। बढ़िया था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, तुम्हें और जाने का मौका मिला मुझे, अच्छा ट्रिप प्लान करनी चाहिए, आपके पार्टनर को जाने का मौका मिलता है। पहचान में नहीं आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, फाइनली इंडिया पहुँच गए हैं, सांस ले सकते हैं, तो यहाँ से तो कहीं भी जाए ले जाए रास्ता। अभी तो हम जा रहे हैं अहमदाबाद, अभी फ्लाइट है अहमदाबाद की, इमिग्रेशन करके सीधा अहमदाबाद पहुँचेंगे। भारती जी कुछ खाने वही समथिंग, तो चलो भाई चलो पहले इमिग्रेशन क्लियर करके तब दूर अहमदाबाद। चलो गाइस अब हम लोग दूसरी फ्लाइट तो करते हैं अहमदाबाद की भारती। मैं भी उनको अरेंज करना पड़ेगा खाने का और बाद में, लेकिन मैनेजर तो अंदर है, मैनेजर तो अंदर, मैनेजर से बात करेंगे फोन पे, बहुत गलत है यार ये, लिटरली टाइम ही देते हो आप पकड़ने में, मतलब वी डिडंट कैंसिल द फ्लाइट राइट। चलो अहमदाबाद चलते हैं भारती, ओए अहमदाबाद हो तुम अभी बैंगलोर अब कहाँ जा रही हो, अहमदाबाद से दिल्ली, हाँ परेशान हो चुकी हो, हाँ खाना चाहिए खाना, देखते हैं खाने का टाइम भी नहीं है, दिक्कत तो ये क्या खाएं, खाने का टाइम है ही नहीं, मतलब भारती जी ने ऑर्डर किया है ये सैंडविच और मैंने कॉफ़ी, कॉफ़ी ये खा रही है आराम से, लेकिन वो भूख लगती है तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनती, इनको खाना चाहिए होता टाइम पर, क्यों और डेली हम लेट पहुँचने वाले। तो गाइस ये आ गया है मेरा खाना, चिकन करी राइस, आई होप ये टेस्टी होगा, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, ये तो अपना खाई जा रही है। गो फर्स्ट की फ़्लाइट में हम लोग आज, हम लोग पहले जा रहे हैं अहमदाबाद और फिर वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट, वहाँ भी कुछ मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ गाइस, ये देखिए इसमें नो हड्डी, पैकेजिंग भी कितनी मस्त है, वेरी नाइस चिकन करी राइस। फ्लाइट मिस वेट लगता है, देखते हैं क्या होता है।
कितना ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज का सबसे। देखते हैं हम निकलना दिल्ली के लिए, अहमदाबाद पहुँच गए, फ्लाइट में से जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। वेलकम टू अहमदाबाद, नॉट अ गुड वेलकम गाइस, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड अराइवल था अहमदाबाद में। सोचा ही था कि इस तरह से कभी अहमदाबाद आऊँगा एयरपोर्ट में। काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट है ये तो, काफ़ी टाइम से आ चुकी है अहमदाबाद। ये थोड़े गुस्से में है, बात करने के मूड में नहीं है, इनको लग रहा है कि फ्लाइट मिस हो जाएगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा फ्लाइट मिस होगी क्योंकि यहाँ पे पूरा सब जल्दबाजी में है यहाँ पे, क्योंकि फ़्लाइट लग चुकी है। हाँ आना है एक दिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल आना है कभी यहाँ पे, आऊँगा एक दिन ज़रूर देखने इन्हें। वेरी नाइस ट्रांसिट पैसेंजर्स, लेट्स गो ट्रांसिट। चुकी बेचारी, आज की चौथी फ्लाइट है इनकी, एक सी प्लेन, दो प्लेन, अब चौथा प्लेन राइट, जो गो एयर के वो हमें असिस्ट कर रहे हैं सीधा चेक इन करने के लिए। अब हम लेंगे सिक्योरिटी चेक गाइस, तो फ्लाइट मिल गई है दोस्तों, हमें यहाँ अहमदाबाद में होल्ड नहीं करना है। तो दोस्तों फाइनली हमें मिल गई है हमारी वापस फ्लाइट, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें लगा कि निकल ली है, बिल्कुल अब लोग 20 मिनट लेट हो चुके हैं, अब हम सीधा दिल्ली निकल रहे हैं गाइस। तो मालदीव से दिल्ली का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों कैसे रहा बाहर की सफ़र आपको, अच्छा रहा? हाँ कुछ खाना है? दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं और दिल्ली में ठंड है, बिल्कुल गर्मी छुट के ठंड में आ गए हैं, और ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, और कुछ सीखने को मिला लाइफ में, तो लड़की के सफ़र से ट्रैवल किया सब कुछ पता चला मुझे। तो ऐसी लिंक भी इसको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देते रहो, और ऐसे ही मोर ब्लॉग्स आने वाले हैं। अभी हम हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो वापस के अच्छे घूमने का है, इंडिया में लोकली घूमेंगे जब तक कोविड खत्म ना हो जाए, क्यों सही है। सी यू एवरीवन, सी यू।